सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में आज भी मामला विचाराधीन है। फिर से बोल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में आज भी मामला विचाराधीन है, उस पर सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जो डायरेक्टिव दिए हैं उस डायरेक्टिव से हम खुश हैं, संतुष्ट हैं और मुझे विश्वास है कि दूध का दूध पानी का पानी SIT की जाँच में सबके सामने आ जाएगा और मेरी सभी को कलंकित और प्रभावित करने की जो कोशिश की गई है उसमें लोगों को क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा। दुख इस बात का है कि जब हम ला कॉलेज को LLM देने की कोशिश में नेक परीक्षण करवा रहे थे तो भी इसी कॉलेज के कुछ लोग थे जिन्होंने उस समय हंगामा खड़ा करके नेक टीम को प्रभावित करने की कोशिश की थी और जो नेक A देने जा रही थी A कैटेगरी वो बीच देकर चली गई थी। वो नोट लिखा था कि कॉलेज के बच्चे अनुशासित थे। आज जब हम विश्वविद्यालय की ओर बढ़ रहे थे, सारी तैयारियां हमारी पूरी हो रही और कल दो चार दिन के अंदर ही देश के वित्त मंत्री से मेरी बात भी हो गई थी। मैंने कहा था आपके साथ चलकर मुख्यमंत्री को हम वो प्रस्ताव देते हैं विश्वविद्यालय बनाने के, वो तारीख तय होनी थी। तो अचानक ये मामला उछाल करके उस योजना को रोकने की कोशिश की। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन लोग हैं जो जिले की प्रगति में, जिले के शैक्षिक उन्नति में, जिले के पीढ़ी के विकास में बाधा डाल रहे हैं और घिनौना तरीका अपना रहे हैं। इसलिए मुझे खेद है इस बात का। मैं क्षमा करें आप लोग, आप लोगों को निराश नहीं करना चाहता था लेकिन मामला दो है।